हेलो नमस्कार, डार्ट टेस्ट 6 के सॉल्यूशंस के साथ मैं सिद्धांत मिश्रा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज का पेपर आपका कैसा हुआ? मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ होगा। देखते हैं टेस्ट के सॉल्यूशंस को एक एक करके, एक एक क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एफई एंड एमएन इन प्लांट्स आर रिक्वायर्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो एफई और एमएन की बात कर रहे हैं, आयरन और मैग्नीज की। ये दोनों ही माइक्रोन्यूट्रेंट हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो था, तो दोनों ही माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, तो 10 मिलीमोल प्रति केजी ऑफ ड्राई मैटर से कम ही चाहिए होंगे, तो आंसर हो जाएगा 2। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकेंड हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पेपकेज, रूबिस्को और थियामिन। तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एक्टिवेटेड बाई जिंक, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये पोटेशियम के द्वारा होता है, पेपकेज और रूबिस्को इसको एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम यानी Mg, और थियामिन में सल्फर पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा भाई, ठीक है, फोर्थ आंसर, 102 का आंसर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द मैक्रो एलिमेंट नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है इसमें से। पहला ऑप्शन है, इट इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हॉर्मोन, तो ये बिल्कुल ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड बाई द प्लांट्स इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, सेकेंड भी सही है। इट इज एब्जॉर्ब मेनली एज नाइट्राइट NO2- और NH4+ यानी कि अमोनियम बाई द प्लांट्स, दो सम आर ऑल्सो टेकन अप एज NO3-। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। मोस्ट प्रिफर्ड जो एब्जॉर्प्शन फॉर्म होता है नाइट्रोजन का वो NO3- नाइट्रेट होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, इट इज रिक्वायर्ड बाई ऑल प्लांट पार्ट्स पर्टिकुलरली द मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू। तो जो आंसर रॉन्ग है इसमें वो थर्ड है, सो 103 का आंसर हो जाएगा 3, 103 का आंसर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉस्फोरस। तो करेक्ट पूछा गया है, पहला ऑप्शन है इट इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ H2PO4-3। तो देखिए H2PO4-3 के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन फॉस्फोरस का नहीं होता है, सो दिस इज रॉन्ग। तो या फिर ये HPO4 मतलब H3PO4 से अगर आप एक H+ निकालेंगे तो ये H2PO4- या तो इस फॉर्म में होगा, या फिर एक और H+ निकाल देंगे तो HPO4-2, ठीक है। ये दो फॉर्म्स में फॉस्फोरस जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा, इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स। ओके, ये ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट होने वाला नहीं है, फॉस्फोरस एक मोबिलाइज्ड एलिमेंट है, तो ये ओल्डर लीव्स में आपको एक्यूमुलेट होता हुआ नहीं दिखेगा, इनकरेक्ट है ये। थर्ड ऑप्शन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। देखिए ऑल न्यूक्लिक एसिड का तो ठीक है, लेकिन ऑल प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट फॉस्फोरस नहीं है, और जनरली नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है फॉस्फोरस नहीं ही होता है, सो दिस इज रॉन्ग। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो बिल्कुल सही है ये। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में एक मेजर कॉम्पोनेंट फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो वहां पर फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोरस जो है वो पाया जाता है, सो फोर्थ आंसर हो जाएगा, 104 का आंसर फोर्थ। द मिनरल लिंक्ड विद रेडॉक्स रिएक्शन, तो सीधे से याद करने का क्वेश्चन है भाई ये, रेडॉक्स रिएक्शन के साथ जो लिंक्ड मिनरल्स हैं वो दो हैं, एक कॉपर और दूसरा आयरन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 105 का आंसर सेकेंड। नेक्स्ट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे पहले होता है वो किसके एक्शन का रिजल्ट है। तो ये आपके ऑप्शंस जो हैं जिसमें से मैग्नीज, Mn और Cl, इनके एक्शन का रिजल्ट है, इन दोनों की मदद से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, 106 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। 107, फ्लावरिंग इज डिलेड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो फ्लावरिंग में जो डीले है डेफिशिएंसी, फ्लावरिंग में डीले होना ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो पहला ऑप्शन में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दूसरे ऑप्शन में सल्फर है, पोटेशियम, नाइट्रोजन,
तीसरे ऑप्शन में मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन, और चौथे ऑप्शन में है मॉलिब्डेनम। तो इसमें बेसिकली आपको मॉलिब्डेनम ही ढूंढना था, ठीक है। मॉलिब्डेनम जिस ऑप्शन में है, तो मॉलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन, फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट है भाई। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच जो है इसमें से सेलेक्ट करना है। तो पहला डीएनए पॉलीमरेज Mg+2, ये बिल्कुल सही है, डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करने वाला जो आयन है दैट इज Mg+2। बायोटिन में सल्फर पाया जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ में साइटोक्रोम्स में आयरन होते हैं, ये भी एकदम ठीक है। कैटलेज Ca+2, देखिए कैटलेज जो है वो आयरन के द्वारा एक्टिवेट होता है, यहां पर कैल्शियम लिखा है, तो आंसर हो जाएगा इसके 3, थर्ड आंसर हो जाएगा 108 का आंसर 3। नेक्स्ट 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो कौन सा इसमें वैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है इसमें पूछा गया है। तो देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर देखें तो निकल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बोरॉन भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है और जिंक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, वो है CHONPKMgS और CA, ठीक है। तो अब इसमें में से Mg जो है वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 109 का आंसर 1 हो जाएगा। 110 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, कौन सा इसमें में से इनकरेक्ट नहीं है। तो नाइट्रोजनेज इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो ये सही है। ब्लू ग्रीन एल्गी कैन नॉट बी डाइएज़ोट्रॉफ, तो डाइएज़ोट्रॉफी यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया करते हैं भाई। आपके नॉस्टॉक है, एनाबीना है, इसके अलावा ओलोसीरा है, टिप्लोथ्रिक्स है, ये सभी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी डाइएज़ोट्रॉफ हो सकते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर ऑलवेज सिम्बायोटिक, तो ये भी गलत है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमेशा सिम्बायोटिक होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। फ्री लिविंग फॉर्म में भी एजोटोबैक्टर, बीजरनिकिया, क्लेप्सियला, बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम, ये सभी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ओके, तो ये भी गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन, NH4+ कैनॉट बी एक्यूमुलेटेड इन प्लांट बॉडी, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 110 में देख लीजिएगा आप लोग आंसर की के अंदर 1 और 4, ये दोनों ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। NH4+ अमोनियम आयन प्लांट बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्लांट बॉडी में अगर एक्यूमुलेट होगा तो उसके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, और इसीलिए NH4+ को जो प्लांट है वो तुरंत ही दूसरे फॉर्म्स में अलग अलग तरीकों से चेंज करते हैं, जैसे कि रिडक्टिव एमिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांस एमिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि एमाइड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या यूरिड्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ आंसर भी करेक्ट है। सो 110 का आंसर 1 और 4 बोथ होगा।